विक्रम रोक रहा था, विक्रम तो रुके ही नहीं, मिल ही नहीं रहे, आप मिल गए। क्या नाम है तेरा? Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक ही होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं अभी, और अभी मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं निकल रहा हूँ जिम को, तो सबसे पहले मुझे जिम निकलना है और आज का मैं आपको वर्कआउट दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद मुझे जाना है मार्केट क्योंकि थोड़ा और शॉपिंग करनी है। तो पहले चलते हैं जिम और आपको वर्कआउट दिखाता हूँ, फिर हम चलेंगे मार्केट, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। अभी नहीं गिराना। ये देखो, ये हार चुके हैं और ये भाई जीत चुके हैं, अब ये कैप्सी में पार्टी कर रहे हैं। तो अभी अपना बाइसेप्स का वर्कआउट तो पूरा हो गया है, अब निकलते हैं यहाँ से और अब जाना है हमको मार्केट, तो मिलता हूँ मैं आपसे रास्ते में। तो आ गया हूँ मैं अभी जिम से बाहर और अभी शाम का वक्त हो चुका है अब, और दीदी और उसकी फ्रेंड तो गए हुए हैं, वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ, मैं जाता हूँ और फिर वहीं जाके दिखाता हूँ आपको। घंटा घर तक छोड़ देंगे मेरे को? अच्छा, थैंक यू अंकल। विक्रम रोक रहा था, विक्रम तो रुके ही नहीं, मिल ही नहीं रहे, आप मिल गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आ रहा था अभी जिम से और मेरे को जाना था वहाँ पल्टन मार्केट, और तो मैं वहाँ से अपना पर्स लाना भूल गया आज, तो मैंने सोचा चलो पैदल पैदल चलते हैं, उतने में आप मिल गए मुझे। हाँ नहीं, अभी जैसे हमारे, मैं अपने वहीं होता हूँ ना घर में, तो वहाँ भी अगर कोई ऐसे होता है तो मैं बैठा लेता हूँ। अच्छा, आप अभी कहाँ से आ रहे? मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ऐसे घूम के? घूमने जा रहा हूँ। अच्छा, घूमने जा रहे हो? ऑफिस आने के बाद ना एक घंटा घूमता हूँ वहीं तो घूमते। अच्छा, पैदल पैदल क्यों नहीं वॉक करते? सही है, ठीक है अंकल, थैंक यू।
मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। हमारी शॉपिंग हो गई और मतलब दीदी लोग तो चले गए रूम में, अभी मैं भी जाता हूँ। और मेरा नया दोस्त, अच्छा स्कूल नहीं जाता, किस समय जाता है? सुबह। सुबह और फिर शाम को ट्यूशन, 6-7 बजे बैंक। शाम को ट्यूशन, फिर उसके बाद कौन सी क्लास में पढ़ता है? फोर्थ में। अभी काफ़ी शोर है तो अभी मैं सीधा चलता हूँ घर और फिर आपसे करता हूँ बातें। तो मैं आ गया हूँ अभी घर और शॉपिंग हो गई, पूरी तो नहीं हो पाई, बस थोड़ी बहुत हुई, मतलब आधी हो गई है और वो भी दीदी लोगों ने करी क्योंकि मैं तो वैसे भी लेट गया, लेकिन मैं अपना जो था सामान वो मैंने ले लिया, बाकी का कल दीदी लोग ले लेंगे या फिर देखते हैं मैं भी जाऊंगा तो। और बाकी ये क्यों है शॉपिंग ये आपको पता चलेगा अगली वीडियो में। तो अभी आपने देखा होगा कि वो छोटा सा बच्चा मिला मुझे और फिर मैंने उसे थोड़ा बहुत कुछ खिलाया ऐसे ही, तो मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ कि यार मैंने उसको खिलाया या मैं अपने को बड़ा बताना चाह रहा हूँ। मैं बस ये बोलूंगा कि अगर आपसे कुछ हो सके हेल्प तो लोगों की कर दिया करो, क्योंकि यार मजबूरी है, उसकी तो मजबूरी है, अब वो इतना छोटा सा बच्चा है, वो ही नहीं मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं। लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो स्कूल जाता है, और लेकिन वो बोल रहा था कि सुबह मैं स्कूल जाता हूँ और फिर उसके बाद शाम से सीधा रात तक, फिर मेरे से बोला था कि ले लो, तो मैंने कहा ये तो मेरे किसी काम का तो है नहीं, तो इसलिए मैंने बोला उसको भूख लगी थी तो मैंने उसको खिला दिया कुछ। वही है, अगर आपसे हो सके, जितना हो सके, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए उसे। और वो कहते हैं ना कि अच्छा करो और अच्छा ही तुम्हारे साथ होगा, और होता भी है यार, कभी कभी मुझे फील भी होता है ये सब। और जैसे अभी शाम को हुआ, मैं अपना पर्स ले जाना भूल गया था पहले, और फिर वो रस्ते में एक अंकल खड़े हुए थे, फिर उनने मेरे से पूछा कि बेटा टाइम क्या हो रहा है, तो ऐसे करके फिर मैंने बोला कि अंकल आगे तक ड्रॉप कर दोगे? उनने बोला हाँ बिल्कुल ड्रॉप कर दूंगा तुमको मैं आगे तक। वो वैसे वहीं को जा रहे थे और उनने रस्ते में मुझे ड्रॉप कर दिया। मतलब तो अच्छा होता है, अच्छा करो, अच्छा होगा तुम्हारे साथ। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दिया करो, मुझे तो अच्छा लगता है और यूट्यूब को भी अच्छा लगता है। आपसे मिलता हूँ मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वैसे भी ना मेरा मतलब सपना कहो या कुछ भी कहो, एक वो है कि मैं खुद से तो अभी नहीं कर सकता इतना, तो मतलब लोगों को जोड़ के अपने साथ ऐसा करूं कि ज़रूरतमंद जो भी हैं उन सब की मैं हेल्प कर सकूं, तो जल्दी ही वो भी शुरू करेंगे।